हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय शास्त्र, भारतीय पुराण एवं संहिताएं, जो कि अनेक संहिताएं जिसमें भृगु संहिता, पाराशर संहिताएं भी प्रमुख हैं। दोस्तों, पाराशर संहिता और भृगु संहिताएं ये ज्योतिष के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं संहिताओं में ऐसे अनेक उपाय वर्णित हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को हल कर सकता है, उनका निदान पा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो अथवा जिस व्यक्ति पर शनिदेव कुपित हैं अथवा उसके ऊपर अनेक प्रकार की अन्य कोई परेशानियां चल रही हैं, तो उसे इस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे उसे उन्हीं उपायों में से आज एक उपाय जिसे कहते हैं पीपल के पेड़ की पूजा अथवा पीपल के नीचे दीपक जलाना। लोग अक्सर यह पूछते हैं कि पीपल के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है जब आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, अथवा ज्योतिष शास्त्र यह क्यों कहता है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन दीपक अवश्य जलाइए, इससे क्या फल मिलते हैं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के अनेक फायदे होते हैं, उसमें से कुछ फायदे इस प्रकार हैं। नंबर एक, दोस्तों पीपल को अत्यंत ही धार्मिक वृक्ष माना गया है और इसकी पूजा सदैव ही सदियों से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के ऊपर सभी प्रकार सभी देवी देवता, हमारे पूर्वज इत्यादि सभी वास करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास भी पीपल पर ही होता है और शनि देव का वास भी पीपल पर ही होता है। इसलिए जब पीपल के नीचे दीपक जलाया जाता है तो भगवान श्री नारायण के साथ माता लक्ष्मी का, भगवान भोलेनाथ का, भगवान शनि देव का एवं अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु दोस्तों, पीपल के नीचे दीपक जलाने का एक विशेष वार और विशेष समय होता है। असमय या किसी अनिष्टकारी समय पर अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपको उसके विपरीत परिणाम भी भुगतने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने ज्योतिष अथवा अपने गुरु से पहले आप इस बात पर चर्चा कर लीजिए कि आपको पीपल के नीचे किस समय दीपक जलाना चाहिए और किस दिन दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अनेक लाभ होते हैं और अनेक प्रकार के लाभ जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे, उस प्रकार से भी लाभ आपको, यानी कि अप्रत्याशित रूप से भी आपको लाभ मिलने लगते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है आर्थिक परेशानियों से छुटकारा। दोस्तों, अगर मनुष्य आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, उसके घर में धन नहीं आ रहा है, धन आता भी है तो पानी की तरह बह जाता है, समाप्त हो जाता है, धन आने से पहले जाने के अनेक रास्ते ढूंढ लेता है, यानी कि कुल मिला के मनुष्य अत्यंत ही परेशान है, उसको कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है और अब तो शायद कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है, यानी कि अपनी गृहस्थी चलाए तो कैसे चलाए, उसके पास धन है ही नहीं और कहीं से आने की उम्मीद भी नहीं है। तब दोस्तों, व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया संध्या समय पे, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है और अंधेरा होने से पहले, जब दोनों वक्त मिलते हैं, गोधूली वेला जिसे बोलते हैं, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया अवश्य जलाए। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान शनिदेव न्याय के दाता हैं। वे जब कष्ट दे रहे होते हैं तो राजा को भी रंक बनाते समय नहीं लगता, और वहीं रंक को कब राजा बना दें यह चुटकियों का कार्य होता है उनके लिए। इसलिए भगवान शनिदेव अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। अगर व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिरा हुआ है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, तो उसके जीवन में चल रही परेशानियां तो समाप्त होती ही हैं, साथ ही उसकी आर्थिक समस्याएं भी माता लक्ष्मी की कृपा से जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे उसके घर में धन ठहरने लगता है, उसके घर में धन आगमन होने लगता है। नंबर दो, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है, यानी कि विष योग हो अथवा कोई शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साथी है या अंगारक योग है,
कुछ भी है, शनि दोष अगर उसकी कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति को पीपल के नीचे दिया अवश्य लगाना चाहिए शनिवार के दिन। ऐसा करने से भगवान शनिदेव के क्रोध में कुछ कमी आती है। अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने ताप में कमी करते हैं, वे मनुष्य को उतने कष्ट नहीं देते, उस प्रकार से कष्ट नहीं देते। हालांकि वे न्याय के देवता हैं, इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि वे आपको छोड़ देंगे, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे, तो यह सोचना आपका अनुचित होगा। लेकिन वे आपको कष्ट तो देंगे, वे आपके आपके कर्मों का फल तो आपको देंगे, लेकिन अगर वे आपसे प्रसन्न हैं तो वे आपकी सहायता भी करेंगे। जैसे जैसे कि दोस्तों कि वे कष्ट के रूप में जैसे घनघोर बारिश आपको दे रहे हैं, तो अगर वे आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको बारिश में तो जाना ही होगा, आपको भीगना तो है, लेकिन वे आपको आपकी सुरक्षा के लिए छाता दे देंगे, जिस छाते की सहायता से उस घनघोर वर्षा में भी, उस घनघोर कष्टों में भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके कष्ट व्यतीत हो गए और कब आपके सुख के दिन आ गए, यानी आपके बुरे कर्मों का फल कब व्यतीत हो गया इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा, भान भी नहीं होगा और सभी समस्याएँ अपने आप समाप्त होने लगेंगी। यह होता है फल पीपल के नीचे एक दीपक जलाने का शनिवार के दिन, जिससे शनि दोष दूर होता है, भगवान शनिदेव प्रसन्न होकर शनि दोष को दूर करते हैं। नंबर 3, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति को बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसने खूब इलाज करवा लिया और डॉक्टरों का भी कहना है कि आपके दोनों लोग पति पत्नी दोनों दंपत्ति के सभी जांचें नॉर्मल हैं, सभी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण है। दोस्तों जिस कुंडली में पितृदोष होता है अथवा राहु दोष होता है वह वंश वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, आपके घर में आपके परिवार में बच्चे नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो वे बहुत परेशानियां होंगी। दोस्तों इस वंश वृद्धि को बढ़ाने के लिए, आपके वंश की वृद्धि करने के लिए आपको पीपल के नीचे तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए हर शनिवार को। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है जो आपकी वंश वृद्धि में बाधा बना हुआ है, तो शनिदेव के इशारे पर ही राहु कार्य करता है, राहु शनिदेव की ही छाया है, इसलिए जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपको अगर अपनी वंश वृद्धि करनी है, आपको अगर वंश वृद्धि में होने वाली रुकावटें दूर करनी है, तो आपको शनिवार के दिन पीपल के नीचे संध्या समय पे सरसों के तेल का दीपक अथवा घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके वंश वृद्धि में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और संतान दंपत्ति को भी संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त होगा। नंबर 4, दोस्तों अगर व्यक्ति बीमार रहता है, कोई लंबी बीमारी है, कोई बहुत भारी बीमारी है, या परिवार में एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, यानी घर परिवार में बीमारी लगी ही रहती है, एक के लिए दवा करो तब तक दूसरा तैयार, दूसरे के लिए करो तब तक तीसरा तैयार, और बीमारी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। आज कुछ दिन तक दवाइयाँ खाई, दवाई ख़त्म हुई तब तक ठीक रहे, उसके बाद फिर से बीमारी शुरू हो गई। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन तेल का एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। यकीन जानिए कि इससे आपको अत्यंत ही लाभ होगा और इससे आपके घर में चल रही बीमारियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों कौन सा दीपक जलाना चाहिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे? तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे सदैव ही सरसों के तेल का दिया, चमेली के तेल का दिया अथवा घी का दिया ही जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन सुबह के समय जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय पीपल का दिया जलाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्टों का निवारण होगा, आपकी सभी समस्त प्रकार की परेशानियों का नाश होगा, आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पुत्र इत्यादि सभी सुखी रहेंगे और ज्ञान और धन संपत्ति से आपका घर भरा हुआ रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कृपया से लाइक कीजिए, हमारी जानकारी के लिए कमेंट में हमें अच्छे सुझाव दीजिए, साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।